हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किड्स गार्डन ट्यूटोरियल। हम लोगों ने क्लास टेंथ के जो लेटर टू गॉड जो स्टोरी पढ़ी थी, तो उसमें जो लेंचो जो मेन कैरेक्टर था, तो आज हम लोग उसका कैरेक्टर स्केच देखेंगे। ठीक है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, जो आपका देखिए स्टोरी में जो मेन कैरेक्टर होगा उसका जो कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए आ जाता है बहुत बार। ठीक है, कैरेक्टर स्केच मतलब कि उसके चरित्र का चित्रण करना होता है कि वो किस तरह का था। ठीक है, तो ये देखिए आप ज़्यादा बेटर तब लिख पाते हो जब आप स्टोरी को जानते हो। ठीक है, तो अगर आपने वो स्टोरी नहीं पता है आपको अगर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग जो है स्टोरी वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने बिल्कुल हिंदी में समझाया है, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो जिससे कि आपको कैरेक्टर स्केच समझने में आसानी होगी। ठीक है, सो गाइस चलिए हम स्टार्ट करते हैं कैरेक्टर स्केच। ठीक है, तो देखिए लेंचो वाज ए फार्मर हु लिव्ड इन द मिडिल ऑफ द वैली। लेंचो जो है एक किसान था जो कहाँ रहता था, बिल्कुल वैली यानी कि घाटियों के बीच में रहता था। ठीक है, ही वाज अ हार्ड वर्किंग मैन, वो बहुत ही कठिन मेहनती आदमी था। ठीक है, बहुत कठिन परिश्रम करता था। ही हैड कम्प्लीट फेथ इन गॉड, और उसको भगवान पे जो है बहुत ज़्यादा विश्वास था। बिकॉज व्हेन हेल स्टॉर्म डिस्ट्रॉयड हिज ऑल कॉर्न एंड ऑल होप, ही हैड अ ओनली होप हेल्प ऑफ गॉड। क्योंकि जब हम लोग कहानी में क्या देखते हैं कि जब जो हेल स्टॉर्म आता है, ओले पड़ते हैं, तो उसके सारे फसल जो है वो बर्बाद हो जाते हैं, और तब उसका एकमात्र उम्मीद जो बचता है वो सिर्फ एक भगवान से ही मदद के लिए उसका उम्मीद बस बच जाता है। ठीक है, सो ही रोट अ लेटर टू गॉड एंड डिमांड 100 पीसेस, और इसलिए वह भगवान जी को एक पत्र लिखता है जिसमें वो 100 पीसों की डिमांड करता है। ठीक है, वी कैन से दैट लेंचो इज नेव एंड अनक्वेश्चनिंग टाइप ऑफ पर्सन। तो हम लोग कहानी के अनुसार अकॉर्डिंग टू स्टोरी हम लोग देखते हैं कि जो लेंचो है वो मतलब किस तरह का आदमी है, तो वो नादान है, नेव है एंड अनक्वेश्चनिंग, मतलब वो किसी चीज़ में क्वेश्चनिंग उसके दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता है कि ये कैसे हुआ नहीं हुआ, वो इस चीज़ को जानने की इच्छा भी नहीं रखता है। ठीक है, तो वो इस तरह का इंसान है। बिकॉज he didn't thought about without address the letter reached to God, rather when he got the letter from God with money he was not surprised that how did the money come from God। ठीक है, तो देखिए हम लोग उसको नेव और अनक्वेश्चनिंग क्यों कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए नादान है क्योंकि देखिए वो जब लेटर टू गॉड लिख रहा है तो उसमें वो देखिए सिर्फ टू गॉड लिख दिया और उसमें कोई एड्रेस वहाँ पे मेंशन नहीं किया, तो विदाउट एड्रेस वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके जो लेटर है वो गॉड तक पहुँच जाएंगे एंड उसकी डिमांड भी पूरी हो जाएगी एंड उसको रिप्लाई भी आएगा। ठीक है, तो इस मतलब कि पार्ट को देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि वो बिल्कुल नादान है और अनक्वेश्चनिंग क्यों है, तो देखिए जब उसको लेटर का जवाब मिलता है, जब उसका रिप्लाई आता है वो भी पैसे के साथ में, तो ये वो ये बिल्कुल जानने की कोशिश भी नहीं करता कि मतलब आज के इस ग्रेडी मतलब कि वर्ल्ड में जो जहाँ सारी दुनिया लालची है तो पैसे मेरे को कैसे मिले। ठीक है, तो वो बिल्कुल नहीं, मतलब उसको कम्प्लीटली फेथ है कि भगवान जी से ही उसको पैसे मिले हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इस यहाँ पे उसको अनक्वेश्चनिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट वी कैन से दैट लेंचो वाज एन इनोसेंट पुअर एंड सिंपल मैन। और इन सारी घटनाओं को देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि लेंचो जो था वो किस तरह का इंसान था, तो बहुत ही इनोसेंट था, निर्दोष था बिल्कुल, और पुअर था, गरीब था, और एक बहुत ही साधारण आदमी था। ठीक है, जिसको भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास था। ठीक है, सो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।